करनाल के घरौंडा राजकीय महाविद्यालय में चल रहे 7 दिवसीय एनएसएस शिविर में आज छात्र व छात्राओं की 2 यूनिट बनाकर कॉलेज परिसर की साफ सफाई की गई। वहीं इससे पहले कॉलेज के प्रिंसिपल ने मौके पर पहुंचकर सभी छात्र और छात्राओं का हौसला बढ़ाया और एनएसएस के उद्देश्य और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बहुत ही लगन से और बड़ी निष्ठा से कॉलेज के अंदर इस कैंप के अंदर सफाई का काम किया है और एनएसएस जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना का जो प्रोग्राम होता है उसमें बगैर किसी अपने सेल्फ इंटरेस्ट के जो है एक सामाजिक भाव से कार्य करना होता है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से सभी बच्चों ने बहुत एक सामाजिक भावना से जो है एनएसएस के अंदर काम किया है और बहुत बढ़िया काम जो है। वहीं इस मौके पर कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुरेश शर्मा ने कैंप में भाग ले रहे सभी प्रतिभागियों को अनुशासन में रहना का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो इन 7 दिवसीय कैंपों के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर सामाजिक चेतना को जागृत करके उनका व्यक्तित्व का विकास करना होता है और इन कैंपों के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा जन कल्याण के कार्य झुग्गी बस्तियों में जाकर के सेवाएं करना जैसे स्वास्थ्य सेवाओं में जाकर के टीकाकरण कराना और बहुत सारे जो ऐसे कार्य हैं सामाजिक कार्य हैं जो स्वयं सेवकों का कर्तव्य बनता है काम करने की बात कही और साथ ही बताया कि एनएसएस का उद्देश्य छात्रों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाना है। इसमें भाग लेने वाले छात्रों को समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति जागरूक किया जाएगा। गौरतलब है कि कॉलेज में हर साल कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुरेश शर्मा के नेतृत्व में एनएसएस कैंप लगवाया जाता है जिसमें वो सभी समय सेवकों को अधिकारियों के साथ साथ कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलवाते हैं।